वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक वोकेशनल। अज की इस वीडियो आप टॉपिक करांगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये टॉपिक सब्जेक्ट वन का फर्स्ट चैप्टर उसका लास्ट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड आईसी। इस टॉपिक दे विच आपां करांगे कि आईसी हुंदे की ने, उन्हां दियां की विशेषतावां ने, केड़ियां केड़ियां किस्मां ने, की लाभ अते हानियां ने। सब तो आपां पहलां स्टार्ट करदे हां डेफिनेशन। जिहड़ा आईसी है, इंटीग्रेटिड सर्किट है, इसनूं असीं आम तौर ते आईसी कहने हां या फिर माइक्रोचिप कहा जांदा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जांदा है, या इहदा एक फेमस नाम है मोनोलिथिक चिप। इसनों माइक्रोचिप या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इस लिए कहा जाता है क्योंकि एक छोटी जी चिप दे विच किन्ने सारे कंपोनेंट्स का साइज घटा के उन्हों छोटा करके एक आप कह सकते हैं स्केयर पीस दे विच फैब्रिकेट किया जाता है। जो आईसी सानू देखन नू इन्ना छोटा लगता है उहदे विच किन्ने हज़ार कंपोनेंट्स का साइज रिड्यूस करके फिर उन्होंने एक आईसी दी फॉर्म दे विच फैब्रिकेट किया जाता है। असी कह सकते हैं कि मैनी कंपोनेंट्स फैब्रिकेटेड इन अ सिंगल चिप। जे आईसी नू मैं एक लाइन च डिफाइन करना होवे कि एक सिंगल चिप दे विच किन्ने सारे कंपोनेंट्स नू फैब्रिकेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैनुफैक्चरिंग बनाते समय। आम तौर पर काले रंग के होंगे हैं, सिलीकॉन के बने होंगे हैं, अलग अलग साइज अलग अलग शेप्स अवेलेबल है। जिमें कि आप 555 आईसी की गल करिए, बहुत ही छोटा जहा कंप्यूटर च आईसी लगे होंगे हैं जिन्हें 300, 400 या इस तो भी वध पिनस हो सकते हैं। हुण पिनस की होंगे हैं जिन्हों असी आम तौर पर लत्त कहने जिते असी कनैक्शनस करते हैं। जो एक आईसी नू असी सर्किट विच लगाने हाँ पहला असी उसका बेस लगाने हाँ, उन्हों सोल्डरिंग करते हैं क्योंकि अगर असी सीधे तौर पर आईसी नू सोल्डरिंग करांगे तो साड़ी सोल्डरिंग आयरन की हीट आईसी चलेगी तो वह सड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे पिन वो अजिहे होंगे जिते ज़्यादा वोल्टेज असी नहीं दे सकते। इस करके हमेशा असी पहला बेस लगाने हाँ, जिन्ने पिन का आईसी लगाना है उन्ने पिन का बेस अवेलेबल है उन्हों सोल्डर करते हैं, बाद सर्किट चला दे टाइम असी आईसी लगाने। जिहड़ियां उहदियां लत्तां हुंदियां ने पिनस हुंदे ने, हर एक आईसी जदों बनता है तो कंपनी उहदा मैनुअल नाल तैयार करती है भी किहड़े पिन ते इंटरनली किहड़ा कनैक्शन होया होया। अगर असी कोई भी एक कनैक्शन भी रोंग करता तो साडा पूरा आईसी सड़ जांदा है, जिहदी रिपेयर नहीं हो सकती, सानू आईसी रिप्लेस करना पैंदा। हर एक आईसी किसी स्पेशल परपसली डिजाइन किया जाता है। कंपनी जदों कोई भी आईसी बनाउंदी है उहदा एक स्पेसिफिक मोटिव हुंदा है, उहदा एक मैनुअल आउंदा है कि किहड़े पिन ते इंटरनली किहड़ा कंपोनेंट फिट किया होया है, तुसी किन्ने वोल्ट देनी है, जां सर्किट च लगाउंदे समय किहड़ा कनैक्शन करना है, एक कंपनी आपां नूं नाल ही दसदी है क्योंकि बाहरों आईसी नूं देख के सानूं कुछ नहीं पता लग सकता। हाँ जी, आईसी नूं एक रीड करन दा तरीका जरूर है। जिवें मैं डायग्राम बनाई है, सेंटर दे विच एक नॉच बनी हुई है, इसनूं नॉच कहिंदे ने। नॉच दे खब्बे पासे एक डॉट हुंदा है, ये यूनीवर्सल है, ये सेम ही हुंदा। एक छोटे छोटे डॉट लगे ने इत्थे आईसी का नंबर, आईसी की कंपनी प्रिंट आउट हुई हुंदी है। जिहड़ा डॉट है वह साडा हमेशा एक नंबर पिन हुंदा। जे आपां 8 पिन दे आईसी की गल करिए तां खब्बे पासे जदों एक शुरू हो गया 1 2 3 4, फिर उहदे बिल्कुल ऑपोजिट साइड 5 6 7 8, ये जिहड़े नंबर ऑफ सीकुएंस है यह परमानेंट हुंदी है, मैनुफैक्चरिंग टाइम ही डिसाइड हुंदी है, असी इस नंबर दे अकॉर्डिंग ही कनैक्शन करने हुंदे ने। हुण जे आपां आईसी दीआं किस्मां दी गल करिए, आईसी दो तरह नाल वंडे गए ने, लीनियर आईसी जिन्हों एनालॉग आईसी भी कहा जांदा है, एक हुंदे हैं डिजिटल आईसी। जिहड़े एनालॉग आईसी हैं वह अपने एनालॉग सर्किट की तरह लगातार वेरी करते रहते हैं अपनी आउटपुट नूं। जो दी इनपुट दित्ती है उहदे ते निर्भर करेगा भी इहदियां आउटपुट्स किन्नियां आउणगियां।
आपां कह सकते हैं इन्हां दी आउटपुट लीनियर फंक्शन है ऑफ द गिवन इनपुट। इहदी एग्जाम्पल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्हां दी वरतों ज़्यादातर AF RF सर्किट्स दे विच कीती जाती है। सैकेंड है डिजिटल आईसी। डिजिटल आईसी दी जिहड़ियां आउटपुट स्टेट्स ने ना वो स्पेसिफिक होंदी है, मोस्टली बाइनरी 0 एंड 1। 0 मीन्स लो, लॉजिक 0, 1 मीन्स हाई, लॉजिक हाई। एक कंप्यूटर या फिर काउंटर या फिर साढ़े मॉडम्स जिथे भी डिजिटल सर्किट्स काम करते हैं उत्थे डिजिटल आईसी ही लगाए जाते हैं। जेडे साढ़े गेट्स ने सारे एंड ऑर गेट आपां पहलां कीते ने वो सारे ही साढ़े डिजिटल आईसी ने, क्योंकि उन्हां दी आउटपुट भी हमेशा 0 1 दी फॉर्म दे विच ही आउंदी है। इस स्ट्रक्चर नूं तुसीं इस डायग्राम नाल समझ सकते हो, जिवें कि यह 16 पिन आईसी है। सेंटर दे विच नॉच बनी हुई है, नॉच दे खब्बे साइड नंबर 1 शुरू होएगा। अगर 16 पिन आईसी है तां इधर 1 to 8 पिन होणगे, 8 दे बिल्कुल सामने 9 होएगा, फिर 9 to 16 दूसरी साइड होणगे। हर एक आईसी नूं रीड करन दा सेम मैथड हुंदा, उस ते पिन नंबर नहीं मैनशन हुंदे, पिन असी खुद आइडेंटिफाई करना हुंदा। मैनुअल दे विच डायग्राम जरूर दित्ती हुंदी है। ये अपने वक्ख वक्ख तरह दे आईसी ने, देखो अलग अलग शेप्स, अलग अलग लुक दे ने, किसी दा साइज वड्डा है छोटा है, किसी दे पिनस ज़्यादा ने किसी दे घट ने। बहुत बार आपां ये आईसीस नूं सर्किट्स विच देखिया हुंदा, ज़रूरी नहीं हुंदा हमेशा ही ये ब्लैक होण, हमेशा ही सिलीकॉन दे बने होण, बहुत बार मटैलिक स्ट्रक्चर दे विच भी आईसी मिलते ने। नैक्सट आपां डिस्कस करांगे आईसी दे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इन्हां दी सब तो वड्डी यही है कि इन्हां दा साइज बहुत ही घट है। जदों आपां कई हज़ार कंपोनेंट्स नूं इक आईसी च लगाता, फिर सर्किट दे विच इन्ने कंपोनेंट्स लगाउण दी बजाए इक आईसी लगावांगे, नेचुरली साढ़े बने हुए सर्किट दा साइज घट जाएगा, उहदा भार भी घट जाएगा, उहनूं डिज़ाइन करना ईजी हो जाएगा। किथे तां असीं किन्ने सारे कंपोनेंट्स लगाउणे सी, किथे असीं इक आईसी दे कनैक्शन दे के अपना सर्किट तैयार कर लांगे। नैक्सट एडवांटेज है कि इन्हां दी अपनी पावर कंजप्शन बहुत ही लो है। नैक्सट, बहुत सारे कंपोनेंट्स नूं असीं फैब्रिकेट कर सकते हैं एक सिंगल चिप दे विच, एक सिंगल आईसी दे विच, जिहड़ी कुछ स्केयर इंच दी हुंदी है। नैक्सट है ईजी टू इंस्टॉल। जिवें मैं पहलां भी दस्सिया कि बेस लगा के कनैक्शन कर दिते जांदे ने, बाद च असीं आसानी नाल उस आईसी नूं प्लेस और रिप्लेस कर सकते हैं। हाईली रिलायबल, एक बार जदों आईसी लग गया जिन्ना टाइम उस खराबी नहीं आती तो साडा सर्किट लंबे समय लिए चलता है, साडे सर्किट की लाइफ इनक्रीज होंदी है, तो इहदी आउटपुट नूं असीं रिलायबल मानते हैं। एक ये भी इहदी एडवांटेज है कि इहदी स्पीड काफ़ी हाई है। जिवें आपां गेट्स की गल करिए, लॉजिक गेट साढ़े मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आईसी दी फॉर्म च आते हैं, बहुत ही स्पीडी आउटपुट सानू दिंदे ने। नैक्सट आपां गल करते हैं इसकी कीमत। जदों यह लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुंदी है तो आईसी बहुत ही घट रेट दे विच सानू मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस, कई बार कुछ आईसी इदां दे हुंदे ने कि वो हीट नहीं सह पाते, डिपेंड करता उस कंपोनेंट्स किन्ने लगे ने, किहड़े कंपोनेंट्स लगे ने, किस चीज़ लिए वह आईसी डिज़ाइन होया। बहुत सारे आईसी इदां दे हुंदे ने कि उन्हां दे लई सानू हीट सिंक लगाना पैंदा है, जिवें कि कंप्यूटर, कंप्यूटर ने लगातार काम करना है, उच हीट पैदा हुंदी है, लैपटॉप होया, इस करके उच हीट सिंक्स लगाए जांदे ने, तां क्योंकि आईसी ज़्यादा टैंपरेचर नहीं सह सकते। अगर ज़्यादा टैंपरेचर च काम करनगे तां आईसी सड़ जांदा है, इस करके सानू हीट सिंक लगाना पैंदा है। नैक्सट इज ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर का आईसी कदे भी पॉसीबल नहीं हैगा, ना ही छोटी वैल्यू का ना ही हाई वैल्यू का। ये रिपेयरेबल नहीं, अगर साढ़े आईसी का कोई भी इंटरनल एक कंपोनेंट भी खराब हुंदा असी उन्हूं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सानू पूरा आईसी ही रिप्लेस करना पैंदा। कैन नॉट वर्क विद हाई वोल्टेज, जिवें आपां पहलां गल कीती है कि बहुत हाई वोल्टेज ते आईसी कदे भी काम नहीं कर सकते, वो हीट ऑब्जर्व कर लेंगे, जिदे नाल
ਉਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਈਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।